हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमिला, प्रमिला की रेसिपी। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्यादा इजी टू कुक रेसिपी। तो चलिए बिना देरी करे अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी यमी मैंगो आइसक्रीम फ्रेंड्स, जो बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो क्यों ना घर में ही मैंगो आइसक्रीम के मजे लिए जाए फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से बिना देरी करे स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस मजेदार रेसिपी को। हमने फ्रेंड्स दो मैंगो का पल्प बना लिया है, ये अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है मिक्सी ग्राइंडर में। आम जो होने चाहिए मैंगो आइसक्रीम के लिए एकदम पके हुए होने चाहिए और बिल्कुल येलो कलर के हों, मीठे होने चाहिए। हाफ कप यहाँ पर हमने लिया है, बिल्कुल फ्रेश वाली जो मलाई होती है घर की वही ली है, चाहे तो आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। 1 कप लिया हमने एवरीडे का मिल्क पाउडर, जिससे हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही ज्यादा स्मूथ और वेरी वेरी टेस्टी बनेगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि हाँ, यहाँ पर हमने हाफ कप ही लिया है पाउडर शुगर। थोड़ा सा हमने इलायची को क्रश कर लिया है, ये इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगता है आइसक्रीम में। ये हमने ब्लेंड में करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये हमने डाल दिया जार में अपनी प्योरी को और इसके लिए हमें लेना है 1। ये आ गई हमारी इसमें मलाई, 1 ग्लास हम यहाँ पर हम दूध लेंगे, वो भी ठंडा ही लेंगे। अब ये आ गया हमारा इसमें मिल्क पाउडर। बहुत ही इजी और टेस्टी एकदम आइसक्रीम बनती है, एकदम घर में रखे हुए सामान से फटाफट से बन जाती है। जब भी बच्चों का मन करे आप इस आइसक्रीम को जरूर बनाएं फ्रेंड्स। ये आ गया हमारा फुल क्रीम मिल्क, अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। इसको एक बार ब्लेंड कर लिया, इसमें 1 स्पून डाल देते हैं। यहाँ पर हमने फूड कलर लिया येलो कलर का, जिससे हमारी आइसक्रीम बहुत ही मैंगो जैसी ही कलर आए। अब चलिए इसको एक बार और ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए कलर भी प्यारा आ गया और काफी स्मूथ एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका। अब हमने एयर टाइट बॉक्स लिया है, आप चाहे यहाँ पर एयर टाइट टिफिन भी ले सकते हैं और इसमें हम ये बैटर डाल देते हैं अपना। आप चाहे तो आइसक्रीम एक कटोरी आइसक्रीम भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर हम इसको कवर कर देते हैं और बाद में फिर हम इसको, अभी फ्रेंड्स हमें इसे हम 3 घंटे के लिए ही कवर करके रखेंगे। इसके बाद एक बार और इसको ब्लेंड करेंगे 3 घंटे के बाद, जब ये हमारी 50% आइसक्रीम जम जाएगी। क्योंकि उससे क्या होगा, काफी मार्केट जैसी स्टाइल बनेगी, एकदम क्रीमी टेक्सचर बनेगा ये आइसक्रीम, बहुत ही स्मूथ बन जाएगी। और इसमें अगर आइस क्रिस्टल आते हैं तो उसके लिए हमें फॉइल पेपर लगा देते हैं, अभी हमें फॉइल पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। तो लीजिए इसको हमने बंद करके रख दिया है अपने 3 घंटे के लिए फ्रीजर में। तो चलिए 4 घंटे बाद चेक करते हैं अपनी आइसक्रीम को। ये देखिए काफी हद तक ये जम चुकी है, अब इसको हम जार में डालते हैं और एक बार 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेते हैं। इसको रोक रोक के करेंगे, एकदम लगातार नहीं करेंगे इसको, इससे काफी स्मूथ बनेगी। इसलिए ये प्रोसीजर हम दोबारा करते हैं, अदरवाइज एक ही बार करने में जम जाती है हमारी आइसक्रीम। और आप देख सकते थे इसमें कोई भी किसी भी तरह का आइस क्रिस्टल नहीं आया था। तो चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए काफी स्मूथ लग रही है आपको देखते ही, इतनी शानदार दिख रही है ये। और ये काफी अच्छे से आइसक्रीम हमारी बन जाएगी फ्रेंड्स। इसको हम टैप कर लेते हैं जिससे ये इक्वल हो जाए। फॉइल पेपर से हम कवर कर देते हैं इस तरह से, इसको हम इक्वल कर देंगे तो कोई भी इसमें आइस क्रिस्टल इसके ऊपर ना आए बिल्कुल। अब इसको हम कवर करके रख देते हैं 6 घंटे के लिए फ्रेंड्स, या जब तक कि हमारी आइसक्रीम अच्छे से नहीं जम जाती है। इंतजार खत्म हुआ, अब अपनी आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं, फॉइल पेपर निकाल लेते हैं इसका हम फ्रेंड्स। ये लीजिए हमारी मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी आइस क्रिस्टल इसमें नहीं है। तो लीजिए एकदम स्मूथ हमारी मार्केट स्टाइल की देखिए मैंगो आइसक्रीम कितनी बढ़िया लग रही है ना फ्रेंड्स। ये लीजिए, तो आप भी अपने घर में ऐसी ही मैंगो आइसक्रीम जरूर बनाइए फ्रेंड्स, बच्चे हो या बड़े हो सबको बेहद पसंद आएगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है, तो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस लॉकडाउन के टाइम में आप भी अपने घर में जरूर बनाइए इस मैंगो आइसक्रीम को फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए।